our next speaker is an mba in sales and marketing and quality control. he has worked for over 26 years in various companies like ztv, aurora's boss and cartons, and east, Indi east africa glassmart, Neil kamal limited, tns brass usa. in his last company, he was working as the business development head for india and subcontinent. Presently he is the founder director of IHSPF International Hospitality Sales Professional Forum which comprises of over 250 sales professionals from all over the world. He is the founder of FSCAI Food Service Consultants Association of India which comprises of over 100 consultants from all over the country. He has been such a renowned and successful person. We would like to know from him why did he choose to do Kangen business. With a huge round of applause, I would like to invite on stage Mr. Rajesh Chaudhary. मच ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी आपने किया सुकेश जी के बाद मुझे भेज दिया मेरे लिए कौन तालीब हो जाएगा बट आई एल ट्राई माई बेस्ट आई एल ट्राई माई बेस्ट यू नो आई केम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर ये मेरी दूसरी बार है एंड एवरी टाइम दैट यू डू शायद बाई आयर वेर एवर इन दर्ल्ड आई मे बी बट आई वॉन्ट टू बी हेयर बिकॉज आई गेट सो इंस्पायर्ड बाई ऑल ऑफ यू एंड यूर जील एंड पता नहीं मैं उतना इंथ्यूजियाजम दिखा पाऊँगा कि नहीं <laughs>

यू नो वे इज द सक्सेस एंड वॉट हैव यू अचीवड एंड ऑलवेज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सैलरी एंड योर इनकम एंड यू नो सो एम वे में जब अभी किसी ने बोला तो मैं लास्ट टाइम बोल नहीं पाया था एम वे में एक सज्जन यू एस से आए थे नाइनटीन नाइन्टी फाइव में टू डेली वन मिस्टर एम डी पटेल उन्होंने मेरे लिए किट खरीद के दिया बोले यू आर सच ए डायनेमिक सेल्स प्रोफेशनल एंड प्लीज डू दिस बिजनेस पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया फिर जापान लाइफ हर्बल लाइफ एवरीथिंग यू नो एवरीबडी अप्रोच बट देन सम एक मुझे नहीं करना था एक अजय uh, जडेजा का एक uh, भाई है अजीत जडेजा उसके साथ एक बंदा था सुजीत ही वॉज अ कीड़ा ऑन यू नो दिस एम एल बिजनेस उसने भी मुझे बैठ के समझाया बहुत कि आज इस बिजनेस में वी कैन डू वंडर्स बिकॉज यू आर अ गुड सेल्स गाय सो आई सेड सम हाउ इट डेंट क्लिक पैंडमिक में मेरे घर में एक बंदा आया मेरा छोटा भाई जैसा है वो मेरे पास आया बोला एक भाई एक आपके घर में मशीन लगाना मैंने बोला ठीक है खाली बैठे मशीन लगा दे बोला इट विल हेल्प यू इन योर हेल्थ तो लगा के गया उससे पहले कुछ वीक्स पहले आ, शाहिद भाई आके डेमो देखे गए थे बिच्छू साहब ने अरेंज किया था शाहिद भाई आके मेरे घर में डेमो दे देखे गए थे सो इट वॉज़ सो अमेजिंग आई वज सपोज टू कम ऑन द एटींथ ऑफ मार्च एंड डू द डील एंड बाय द मशीन एंड गो बैक एंड सडनली मुझे होटल से कॉल आया कि सॉरी लॉकडाउन हो रहा है और यू नो ड्यू टू कोविड एंड देल नॉट बी एनी रूम फॉर यू इन द होटल सो इट्स बेटर यू कैंसल योर टिकट बिकॉज फ्लोर वाइज हम होटल को लॉकडाउन कर रहे हैं सो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बट देन यू नो सम हाउ मैनेज टू बाय द मशीन थ्रू समबडी एल्स इन बेंगलोर अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि uh, मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा उस टीम के साथ एंड आई एम नॉट अशेम टू से आई मैंने इतने सारे मेरे रेफरेंसेस दिए मेरा बीच का नाम जो है ना राजेश नोकिया चौधरी है नोकिया कनेक्टिंग पीपल आई लव कनेक्टिंग पीपल आपको अभी जितने लोग हैं आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दूंगा एंड दैट्स माई टैलेंट बिकॉज दैट्स हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड एंड वर्कड ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब साढ़े तीन हज़ार कंपनियों का आई मैंने किया है सो इमेजिन हाउ मेनी सी आई वुड हैव मेट आई कुमार मंगलम बिरला ऑल दिस पीपल आई मेट देम एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन एंड आई यूज टू गो विथ पेपर सर आपको ये स्पीच देना है उनको अवार्ड हमने दिया था गोल्डन पीकॉक ऑफ नेशनल क्वालिटी अवार्ड मैंने uh, इवेंट्स किया है काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स आप अगर सुने होंगे प्रवासी भारतीय दिवस उसका जो पहला इवेंट था उसका इव, था, उसका इवेंट मैनेजर मैं था गोपियोकर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन दर अबाउट टू मिलियन एनआरआईस एंड आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दैम उनका जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर थॉमस अब्राहम एंड मिस्टर इंदर सिंह दीज आर द टू गाइज हुड दिस एसोसिएशन आई एम वेरी क्लोज टू दैम बिकॉज आई हैंडल दैट जो डूअल सिटीजनशिप हुआ है इंडिया का सिटीजन भी आप हो सकते हैं किसी और कंट्री का भी उसका जो डॉक्यूमेंट है ट्वेंटी पॉइंट्स का वो मैं टाइप करा के लेके आया था इनोविवेरिन मिस्टर के एन गुप्ताज हाउस उनकी बेटी का एक चैनल है नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन एन ई टी वी करके मनोरंजना सिंह आई एम टॉकिंग ऑफ दैट लेगेसी आई वर्क विथ वेरी वेरी सीनियर पीपल इन माई लाइफ एंड आई है लर्न अ लॉड सो ये जो कैंगन मशीन घर पे लगा आई एम अ डायबिटिक मेरी मम्मी भी डायबिटिक है मम्मी का आर्थराइटिस का इतना प्रॉब्लम था शी वॉज नॉट एबल टू वॉक सो जैसे कि uh, मशीन लगा वी स्टार्टिड यूजिंग आई स्टार्ट सींग रिजल्ट इन माई लाइफ आई लॉस अबाउट टेन के जीस एंड स्टिल एट माइनस टेन के जीस दो आई हैव बिन ट्रेवलिंग अ लॉड एंड ईटिंग एवरी थिंग वन कैंगन आई थिंक इज बैलेंसिंग इट आउट secondly, um, you know, the guy who was trying to help me grow this business definitely could not help me because his motive and the guy was not at all a good leader, like abhi, Vaisamne uh, tha, i forgot his name. so you have to find the right leader. so i knew that the demo given by shahid was amazing. i, do, I don't know. Uh, i think uh, many of you don't know that. i know shahid for many years now, almost 10, 12 years. go amijab teeta abham सो आई लुकड अराउंड एस अ और कौन सा लीडर बैंगलोर में मिल सकता है नहीं मिला मुझे कोई आई डो आई डिन नो मेनी पीपल बट देन आई केम बैक टू शाहिद बाय शाहिद बाय एस अई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम वो बोले टोकोरी कर लेंगे मेरे मुझे कुछ नहीं करना आई वॉन्ट टू बाय अनादर मशीन सो आई इन्वेस्टेड इन अनदर मशीन एंड देन आई एम ए पार्ट ऑफ हिस टीम आई एम वेरी प्राउड टू बी आ पार्ट ऑफ हिस टीम वी एव ट्रेवल टू नेपाल नाव वी वो ट्रैवल टू श्रीलंका नेपाल में थोड़े चैलेंजेस है सो so, उस चैलेंज को भी मैंने बहुत ही बड़ा चैलेंज के रूप में लिया है नेक्स्ट वीक आई एम मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ नेपाल एंड वी मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस देम टू चेंज द पॉलिसी इफ इफ दैट हैपन्स देन वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज इन नेपाल वी वी मेड अबाउट एटीन डेमोस ऑल्सो टू द अमिताभ बच्चन ऑफ़ नेपाल हिज नेम इज़ राजेश हमाल उनको भी हम डेमो दे के आए द एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा उनके भाई को हम डेमो दे के आए हैं सो वी आर क्वाइट होपफुल थोड़े चैलेंजेस हैं द मशीन हैज़ टू कम वाया हांगकॉन्ग सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी श्रीलंका शायद बाई बी प्रिपेयर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट टीम एक स्टोरी छोटा सा कहना चाहूँगा कई लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये स्टोरी है और उनको जाके ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा कि देर आर टू हर्मिट्स हर्मिट्स मतलब जो साधु लोग होते हैं ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर You know they uh, they survive by getting arms from people in the sense uh, food given by other people and you know people support them. So, one city to while they were uh, crossing, there was a river. They, they, were, they had to cross the river. They saw a girl, a uh, lady sitting there and crying. So, they, uh, one of them asked, "Sister, why are you sitting and crying?" जब मैं इस तरफ आई थी काम के लिए तो पानी एंकल डीप था अब पानी यहाँ तक हो गया मैं क्रॉस करके वापस नहीं जा पा रही हूँ तो उनमें से एक ने कहा कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ मैं आपको पहुँचा देता हूँ तो आ, उन्होंने उनको छोड़ दिया और थैंक यू बोल के वो आगे निकल गए करीब 10-12 घंटे बाद दूसरे हरमिट ने उनको बोला कि भाई क्या हमने ये वचन नहीं लिया था कि हम किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे कभी तो उसने बोला भाई मैं उसको 10-12 घंटे पहले छोड़ चुका हूँ तो अभी भी उसको अपने दिमाग में लेके चल रहा है सो so, कई लोग डाउट्स और क्वेश्चंस को लेके इतना ये हो जाता है गूगल के पीछे इतना भाग जाते हैं कि यू नो दे गो ओनली इनटू द नेगेटिविटी और वो डिसीजन नहीं ले पाते आप फ़ायदा नहीं देख पाते मेरे लाइफ में फ़ायदा हुआ अभी डॉक्टर तनवीज़ मैं डॉक्टर जब शाहिद भाई ने मिलाया मैं आई सर डॉक्टर तनवी यू हैव टू ट्रीट मी मेरा बहुत ही डामाडोल वाला सिचुएशन रहता है इतना ट्रैवल करता हूँ कई बार मैं डाइट फॉलो करता हूँ कई बार ऑफ बीट चला जाता है तीन चार महीने मेरा इतना ट्रैवल रहा है कि इट वॉज़ रियली रियली टफ टू मैंटेन माई डाइट तो डॉक्टर तनवी के पास गया जब रिपोर्ट्स लेके तो थोड़ा सा अच्छे नहीं थे रिपोर्ट मैम ने बोला आपका किडनी कुछ जा रहा है मैंने बोला ये तो थोड़ा अच्छा न्यूज़ नहीं है तो मैं बोला ठीक है लेट्स गो बैक टू द कैंग चैलेंज वेन बैक होम टू वीक्स डिड नॉट ट्रैवल कंटिन्यूअसली कैंग इन वाटर पीने लगा आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ आई फील वेरी एनर्जेटिक पिछले uh, एक साल से मैं चार बजे उठता हूँ रात को बारह बजे सोता हूँ एक दिन मैं डेढ़ दिन का काम कर पाता हूँ आई एम प्रोड्यूसिंग ए फिल्म दैन बैनर ऑफ द फिल्म इज कॉल्ड अमीषा अश्मिता एंड अमीषा फिल्म मेरे बेटियों के नाम से वो फिल्म है कल मेरा लास्ट शूट है इट बी कम्प्लीटेड इट बी रिलीज ऑन क्रिसमस और मैं कुछ कंसल्टेंट uh, एसोसिएशन का फाउंडर हूँ उसका बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि जो कंसल्टेंट्स ऐसे होटल ये होटल जिस कंसल्टेंट का एक कंसल्टेंट के दोस्त का है अजय सैनी जो इसके ओनर हैं सो द पावर ऑफ यू नो डूइंग बिजनेस इज़ ओनली डिस्कवर्ड विद कैंगन आई फील कि मेरा जो सबसे बड़ा बिजनेस uh, ये होगा हालांकि मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ बट सबसे बड़ा मेरा जो पैशन uh, है इस कैंगन सो so,

आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग डिसाइड नहीं किए हैं प्लीज़ मेक द डिसीजन टुडे नॉट टू मोरो आज ही डिसीजन कीजिए कैंगन मशीन खरीदिए डोंट वेस्ट योर टाइम डोंट वेस्ट योर हेल्प थैंक यू वेरी मच